नारेबाजी करते सभी लोग बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हैं। हम आपको बता दें, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज वृंदावन के सभी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। प्रताप बाजार स्थित नगर के स्टेट बैंक पर एकत्रित हुए बैंक कर्मचारियों ने वेतन समझौता लागू करने और बैंकों में नई भर्ती के साथ साथ पेंशन का नवीनीकरण आदि मांगों को लेकर सरकार को जमकर कोसा। प्रदर्शन के दौरान नगर के सभी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इतना ही नहीं, बैंक कर्मियों ने प्रधानमंत्री होश में आओ और वित्त मंत्री हाय हाय के जोरदार नारे लगाए। इस संबंध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नगर संयोजक विश्वनाथ गुप्ता ने जानकारी दी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर वृंदावन नगर के सभी बैंक कर्मी, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, केनरा बैंक इत्यादि बैंकों के कर्मचारी अधिकारी ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है। हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि जो हमारा पेंशन वेतन समझौता 2017 से लागू होना है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। 1.5 साल हो गए हम लोगों को वार्ता करते करते। सरकार जो है सामान्य तरीके से उस समझौते को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है वो वेतन समझौता सम्मानजनक तरीके से और नवंबर 2017 से शीघ्र लागू किया जाए। पेंशन का हमारा रिवीजन, जो हमारे पेंशन भाई है, जो हमारे पेंशनर है बैंक के, उनका पेंशन का रिवीजन बहुत सालों से नहीं हुआ है। उसकी वजह से भी हम लोगों को उनको बहुत परेशानी आ रही है, उनको अपने जीवन यापन करने में परेशानी आ रही है, इतनी कम पेंशन उनको मिलती है। हमारी मांग है उनका परीक्षण शीघ्र किया जाए, बैंकों में भर्ती की जाए और जो भी घरानों पे जो बैंकों का बकाया है, जिसकी वजह से आज बैंकों को नुकसान में दिखाया जाता है और बैंक कर्मियों को उनका जो बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा है, उस बहाने से हमारी डिमांड है कि उनसे जो है शीघ्र वसूली की जाए, जिससे कि जो है बैंक कर्मियों का वेतन समझौता सम्मानजनक पूर्वक लागू हो सके। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल हमारी 26 तारीख को एक दिन की है। अब हम डिसीजन ले चुके हैं कि अगर ये इस हड़ताल के बावजूद भी सरकार नहीं चेती तो हमको मजबूरी में इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा।